आइए भक्तों, आज सुनते हैं श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऋषि गण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रा, शोक, कुष्ठ आदि से, विलांग शत्रुओं से, संतप्त राज्य से निष्कासित राज्य, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिसके उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो मुझे उस अभ्यास बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उस निवारण में आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्य में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होता है। श्रावण श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य युक्त होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के समर्थन जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट से भुगताना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वत राज हिमालय की सुंदर कन्या पर्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट निवारक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्र नहीं होगा निहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन कर के ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर अक्षर दान करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात
पड़ोस चार विधि से विधि पूर्वक पूजन करे, मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करे। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नहर्ता, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अज्ञे है। हे महापुत्र, यह आपके लिए स्नार्थ जल है। हे वर्कतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सूर्य कर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए योग्य पवित्र है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे बामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नवेद है। हे देव, यह आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार पटसोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाए। हे देवी, शुद्ध देसी घी के 15 लड्डू बनाए। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंदे उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रिय माता हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा पदत अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई है। हे निशाकार रोहिणी सहित हे शीश मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करे। हे लंबोदर, हे संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों को नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की प्रार्थना करे। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधु के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करने के प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु अत्र वस्त्र आदि एवं दक्षिणा को साथ मूर्ति दे। इस प्रकार से विसर्जन करे। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुख, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक, यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करे। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास में अभ्यास ही व्रत करे और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करे। तो 1 बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव जी की जय। आज सुनते हैं या चालीसा गणेश चतुर्थी के दिन जरूर सुने। सुनने मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी। तो 1 बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, चौथ माता की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कवि वर बदन कृपाल, विघ्नहरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड सुचि
सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाले मन भावन राजत मुनि मुकितन उरे माला स्वर्ण मुकुट सिरि नयन विशाला पुस्तक पानी कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनी शिव सुवन पंसासन भ्राता गौरी लालन विश्व विखाता रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे मूसक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र है तू तप किन्ही भारी भयो यज्ञ जब पूरन अनुपा तब पहुँचे तुम धरी दिज रूपा अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न होबे तुम बर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गण नायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंत ध्यान रूप होवे पालना पर बालक स्वरूप होवे बनी शिशु रुदन जब तुम ठाना लिखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मंगल सुखम मंगल गवाही नाभित सुरन सुबन वरसाही शंभु उमा बहुदान पुटावही सुर मुनि जन सुत देखन अबही लिखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए सनि राजा निज अब गुण मुनि सनि महामाही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न सनि तुम्ही भायो कहत लगे सनि मन सकुचाई का कही रो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा भर भयो सनि सु बालक देखन कहयो पद तही सनि गृह कोन प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरिजा गिरी पिकल होवे धरनी सो दुख दशा गयो नहीं बरनी हाहाकार मचो कैलासा सनि किन्हो लिख सुत को नासा तुरत गरुर चढ़ी विष्णु सिधायो कटि चक्र सो गज सिर लायो बालक के धर ऊपर धरियो प्राण मंत्र पढ़ शंकर डरियो नाम गणेश शुभ तब किन्हो प्रथम पूजे बुद्धि नित वर दिन्हो बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा चले सरासन भरिम भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि पराई चरण मातु पितृ के धरे लिन्हो तिन के साथ पर दिच्छना किन्हो धनी गणेश कहीं शिव होए हर
हर से नभते सुरन सुमन बहु बर से तुमहि महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहमुख सके न गाई मैं मतहीन मलिन दुखारी करहु कोन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग परियाग करा कर दुर्वासा अब प्रभु दया दिना पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान नितने में मंगल गिरे बसे लगे जगत सम्मान संबंध अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी निदेश पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश जय 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 श्री गणेश भगवान की जय आरती श्री गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंति दयावंत चार भुजा धारी माथे पर तिलक सोहे मुसकी सवारी एक दंति दयावंत चार भुजा धारी माथे पर तिलक सोहे मुसकी सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधे को आँख देत कोरिन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया अंधे को आँख देत कोरिन को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश देवा सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा गणेश भगवान की जय माता पार्वती की जय महादेव भगवान की जय।